नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी टिप्स में स्वागत है। और आज हम आपको ऐसे पौधे और उसके फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल साधारण सा दिखता है और सभी जगह आसानी से मिल जाता है। इसका नाम सदाबहार है। इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ष हरा भरा रहता है व फूल आते हैं, इसलिए इसको बारहमासी सदा फूलों व सदाबहार का पौधा कहा जाता है। लोग इसके फूलों को पूजा में भगवान पर चढ़ाने के लिए लेते हैं और इसके पौधे को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता है कि सदाबहार का पौधा बहुत से आयुर्वेदिक गुणों से परिपूर्ण होता है। सदाबहार का पौधा झाड़ीदार होता है। इसके पत्ते अंडाकार लंबाई लिए चमकदार व चिकने होते हैं। इसके फूल सफ़ेद या बैंगनी रंग के होते हैं, जिसके पौधे पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। औषधीय प्रयोग में भी इन्हीं दो पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, इस कारण इसमें वाष्पीकरण कम होता है और इन्हें कहीं भी उगा सकते हैं। सदाबहार के पौधे में औषधीय गुण होने के कारण इसका इस्तेमाल कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक विकार, डायबिटीज, बवासीर, ततैया व मधुमक्खी के डंक मारने पर, फोड़े फुंसी, घाव, मुहासे, खुजली, मुख की दुर्गंध, दंत शूल और भी बहुत से रोगों में किया जाता है। ज़्यादातर इसे घर के आंगन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस जगह पर यह पौधा लगा है वहाँ पर आसपास की मिट्टी के रोगाणुओं तत्वों को नष्ट कर देता है। सदाबहार के पौधे के गुणों की हम बात करें तो इसमें कैंसर को भी ठीक करने की शक्ति है, क्योंकि इसमें ऐसे दो एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कैंसर को ठीक करने में सहायक है। इसलिए अगर हम कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों को चबाने या रस दें सुबह खाली पेट तो रोगी जरूर स्वस्थ हो जाएगा। मुझे अब भी याद है, मौसम के बदलने पर योग, प्राणायाम, कसरत व दौड़ से पहले गुरुजी हमें दो पत्ते सदाबहार के चबाने को बोलते थे। और जिनको मधुमेह, शुगर की शिकायत है तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसके 5 से 10 पत्ते ले और 1 गिलास पानी में रात को रख दें। वह सुबह पानी पी ले खाली पेट और पत्तों की चटनी बनाकर खा जाए। ये बहुत ही कारगर उपाय है, प्रयोग किया हुआ है, आप भी जरूर प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को तोड़ने पर निकलने वाले दूध को अगर आप दाद, खाज, फोड़े, फुंसी, मुहासे पर नित्य प्रतिदिन लगाते हैं तो आपको इनसे जल्दी ही आराम मिलेगा। जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है वह अगर इनकी जड़ों ताजा या सूखी को चबाते हैं तो हाई बीपी की समस्या में जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी सदाबहार पौधे के बारे में जानकारी। और अगर आपको और अच्छी अच्छी जानकारी व आयुर्वेदिक नुस्खे जानने हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।